आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, मैं दीप आपको ले चलूँगा एक ऐसी वीडियो पे जो आपको मनुष्य बनने का मर्म सिखाएगी, मनुष्य बनने का धर्म सिखाएगा और ये सिखाएगा कि कीचड़ से उठकर कैसे कमल बनते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो एक इंसान के बारे में है जिसने कीचड़ से उठ के कमल को छुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बोलना कि ज़िंदगी में किसी भी इंसान की कैपेबिलिटीज़ और उसके टैलेंट पर शक मत करना दोस्तों। जी हाँ, ज़िंदगी में कभी किसी भी इंसान की कैपेबिलिटीज़ और उसके टैलेंट पर शक नहीं करना है। जो रियल स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, इज़ इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो रियल स्ट्रेंथ है, बाहर का नहीं। अंदर आपकी कितनी इच्छा शक्ति है वो है रियल स्ट्रेंथ, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना हार्डवर्क है ना। सो कोई रिजल्ट नहीं है, नो रिजल्ट नहीं मिला आपको, बट अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा, अपने हिस्से का हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। बाकी क्या कर रहे हो आप नहीं देख सकते, समझ में आ रहा है। तो एवरीवन विल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करेंगे आपको कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं, लेकिन आपको आपका काम करते जाना चाहिए। वही मैं भी किया हूँ, मैं भी करता आ रहा हूँ। तो टैलेंट एबिलिटीज़ पे कभी शक नहीं करना चाहिए दूसरों के, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है बस, है ना। क्योंकि किस्मत भी बहादुर, मतलब किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है, या एक चीज़ याद रखिए। हम लोग जो बोलते हैं ना, किस्मत किस्मत है उसका अच्छा है, लेकिन किस्मत भी उसका ही साथ देगा जो कर्म करेगा, है ना। जो बहादुर होगा उसका ही साथ देगा किस्मत, है कि नहीं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे, जी हाँ, एक ऐसे बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की जिनका नाम है यूट्यूब में एनाटोली। एनाटोली का मतलब क्या है पता है आपको? सनराइज, सूर्य उदय, सूर्य का उदय होना। तो एनाटोली की बात करेंगे, उनका नाम है व्लादिमीर मोंडेनको, श्मोंडेनको, व्लादिमीर मोंडेनको उनका नाम है। एस एच प्रोनाउंस में नहीं आता उनका, एस एच मोंडेनको उनका नाम है, व्लादिमीर मोंडेनको। ऐसे में हम यूट्यूबर एनाटोली के नाम से जानते हैं उनको। जी हाँ, अब आज बात करते हैं एनाटोली की। सबसे पहले दोस्तों, एनाटोली की जो परवरिश थी, बहुत ही गरीब घर से वो आए हैं एनाटोली। आज जो भी है वो सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा, पर एक टाइम था, मैं आप बताऊँगा कि वो क्या थे। तो चलिए एनाटोली की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा शुरू हुई थी एनाटोली की यूक्रेन से। एक पावर लिफ्टर है वो, एक यूट्यूबर है, पार्टिसिपेट इन वेरियस वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स एंड होल्ड द टाइटल ऑफ मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल क्लास इन पावर लिफ्टिंग। जी हाँ, दो यूट्यूब चैनल है उनके जिसमें प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं वो। क्लीनर है वो, एक रुकी है, रुकी ट्रेनर थे, रुकी मतलब नया नया। और उनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1999। जी हाँ, मुझसे भी छोटे हैं वो, जी हाँ, बॉर्न। और कभी कभार वो ओल्ड मैन भी बन जाते हैं, है ना। तो ये भी है उनका। तो ये थोड़ा वीडियो कैमरा थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ इधर, हाँ। तो उनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1999, और एट द एज ऑफ 24 अभी वो इतना सक्सेसफुल है। उनका हुआ था क्रिस्टोपिवका विलेज ऑफ चरकसी, सेंट्रल यूक्रेन में उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, क्रिस्टोपिवका, ये थोड़ा वो यूक्रेन का है, तो ऐसा है, विलेज ऑफ चरकेसी, सेंट्रल यूक्रेन। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं मैं गांव से हूँ, मैं यहाँ से, मुझे कोई नहीं पहचानता। ये देखिए एनाटोली ने क्या कर दिखाया दोस्तों, कहाँ से है, उनका गांव का नाम लेने में भी बहुत वो हो रहा है, लेकिन उन्होंने कर दिया ना चरकेसी। कौन, किसको पता था कि चरकेसी नाम का कोई जगह है, क्रिस्टोपिवका का कोई जगह यूक्रेन है। तो उनका जो लियो साइन है उनका, तो बैचलर डिग्री उन्होंने किया है एट यूनिवर्सिटी इन क्वीव बोल के एक जगह। वो 5'11" है उनकी हाइट, 80 किलो के है वो अभी। उनकी गर्लफ्रेंड भी एक वेलेरिया, जो एक लॉन्जरी मॉडल है अभी। वो लोग डेटिंग कर रहे, 2019 से एक साथ डेट कर रहे वो लोग, वेलेरिया और जो एनाटोली। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एनाटोली की दोस्तों। एनाटोली दोस्तों, उन्होंने बहुत ही इंटरनेट जो उन्होंने अपना एक्सेस किया था एट द 14 साल की उम्र में, उन्होंने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था वॉचिंग अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स। वो अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स को देखते थे, उनके ब्लॉग्स को देखते थे, उनको लाइफस्टाइल को देखते थे और मोटिवेट होते थे, जैसे मैं भी होता हूँ, है ना। एट दैट टाइम ही फेल लाइफ वॉज नॉट वर्थ, उनको ये लगता था कि मैं जहाँ पे हूँ वो जगह वर्थ नहीं है मेरे लिए, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, कुछ नहीं है, स्पेंडिंग ऑन ए फार्म। वो फार्म में काम करते थे, सबको पता है आपने कि जो यूक्रेन उस तरफ है, जब फार्मिंग का काम होता है, जैसे फार्म, मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड से ही हूँ,
काउज, लिव स्टॉक्स, ये सब में भी फैमिली बैकग्राउंड मेरा डेयरी फार्म ये सब ही है मेरा भी, तो वह रिलेट करता है एनाटोली का स्टोरी मेरे साथ दोस्तों, जो अच्छा लगा दोस्तों। तो वो लोग वो समझ रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, स्पेंडिंग ऑन ए फार्म, मैं गाय को चारा खिला रहा हूँ, गाय वो कर रहा हूँ, लिव स्टॉक गाय का शो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सो डिसाइड टू बिकम ब्लॉगर, तो उन्होंने सोचा कि उसको ब्लॉगर बनना है। उन्होंने अमेरिकन बॉडी बिल्डर को इंस्पायर हुआ, उन्होंने देख के उनसे, ही डिसाइड टू टेक सम कोर्स, बट उनके पास कोर्स करने का वो जगह नहीं था, जहाँ पे रहते थे वहाँ पर नहीं था। तो बट देयर वॉज नो जिम इन क्रिस्टोपिवका में जिम नहीं था, सो ही क्रिएटेड हिज ओन जिम, उन्होंने अपना जिम बनाया हुई फार्म में। अपने पापा के साथ फार्मिंग करते थे, ये करते थे, तो फार्मिंग का जो जॉब होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, जो गाय चराना, भैंस चराना, दूध निकालना, ये करते थे। वो ओन जिम अपना क्रिएट किया भाई, ट्रैक्टर्स, उन्होंने अपना खुद का जिम रेडी किया दोस्तों फार्म में। कैसे? ट्रैक्टर के टायरों से, ऊट से का वुड, जो उड़ा है उड़ होता है, फिर ब्रिक से, ईंट से बनाया। वैसे ईंट से मैं भी वर्कआउट करता हूँ अभी भी, तो ऐसे करके उन्होंने बनाया। और जो बॉडी उन्होंने बनाई ऐसे करके, वो कोई नहीं बना पाया फार्मिंग के अंदर, क्रिस्टो पिपका के। फार्मिंग बॉडी इज़ वेरी हार्ड बॉडी, और बहुत ही जान होता है फार्मिंग बॉडी में। लेकिन दोस्तों 2016 में ही मूव टू क्वीव फॉर हिज ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने मूव किया वहाँ से, क्वीव में, अपने गाँव से। ही वॉन्टेड टू बाई ए कैनन 600D, उन्होंने उनको एक कैमरा खरीदना था 600, कैनन 600D कैमरा। तो उनके पास पैसे नहीं थे, क्या करें, तो उन्होंने काम करना शुरू किया वेटर, कोरियर, डिलीवरी बॉय एज ए अलोंग विथ यूनिवर्सिटी क्लासेस। अपने कॉलेज के साथ साथ उन्होंने वेटर का काम किया, डिलीवरी बॉय का काम किया, कोरियर का काम किया, जो मैं भी करता हूँ आज तक यूट्यूब के लिए। और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करके मुझे वो कर देंगे, मैं जॉब छोड़ दूंगा, फुल यूट्यूबर बन जाऊँगा। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन रीजनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, और वो फर्स्ट आए, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप थर्ड आए 2018 में, सोचिए। आफ्टर ग्रेजुएशन वो मॉस्को चले गए, फिर उनके जेब में $1,000 था इन हिज पॉकेट। अचीव मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल क्लास इन पावर लिफ्टिंग, बिकेम इलाइट पावर लिफ्टर। वो वहाँ पे कंपटीशन खेले, उन्होंने जीता वो कंपटीशन, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल क्लास इन पावर लिफ्टिंग जीता उन्होंने। और उनकी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई 16 साल की उम्र में, जी हाँ, 16 साल की उम्र में यूट्यूब जर्नी शुरू हुई, अपने एक फ़ोन से शुरू किया। ऑन दिसंबर 2015 बिगन ही शूटिंग वीडियोज़, उन्होंने दिसंबर 2015 से अपने वीडियो शूटिंग करना शुरू किया, ऑन वर्कआउट्स विथ फोन से। 2015 से उन्होंने यूट्यूब शुरू किया, 2015, सोचिए, कोई यूट्यूब करता भी नहीं था उस टाइम, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है, सोचिए, एनाटोली फ़ोन से करते थे तब, है ना। तो 2016 में ही मूव टू क्वी वेयर ही परचेज ए कैनन, तब उन्होंने 2016 में, 2015 में शुरू किया, 2016 में उन्होंने एक अपना 600D कैमरा खरीदा कैनन का, बेटर क्वालिटी के वीडियोस के लिए। उन्होंने 40K सब्सक्राइबर अचीव किया, 40K सब्सक्राइबर एंड ऑफ 2019 के एंड तक 40K सब्सक्राइबर हुआ। 2019 में वो रिलोकेटेड गए मॉस्को में, फिर वो गए, सबको पता है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, फॉर बेटर और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वो प्रैंक वीडियो बनाते थे, क्लीनर, ओल्ड मैन, नॉविस ट्रेनर, नए नए ट्रेनर का, है ना, पॉपुलरिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ रशिया और यूक्रेन में उनका। फिर 2021 में वार छिड़ गया था, हमको सबको पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया मॉस्को का, बेच बास के वो दुबई चले गए। जब वो दुबई आए, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, एनाटोनी को दोस्तों, आफ्टर मूविंग तो दुबई लाए, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, फिर उन्होंने इंग्लिश सीखा, फिर उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले तो उनका यूट्यूब चैनल था व्लादिमिर मोंडेन को, अपने खुद के नाम से, इसके बाद उन्होंने शुरू किया एनाटोली। एनाटोली एक ग्रीक वर्ड है, एनाटोली ग्रीक वर्ड में उसको सनराइज कहते हैं। न्यू चैनल शुरू किया, उनके पास दो गोल्ड बटन है अभी दोस्तों, यूट्यूब अवार्ड में दो गोल्ड बटन्स है, फॉर क्रॉसिंग मार्क ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर बोथ यूट्यूब चैनल में। दोनों यूट्यूब चैनल में गोल्ड, उन्होंने अपना गोल्ड बटन किया, एक तो खुद का जो यूट्यूब चैनल था उनका व्लादिमिर मोंडेन को, और एक एनाटोली, इन दोनों में उनको गोल्ड बटन मिल गया है। उनके पास दो BMW कार है आज, है ना, किया की एक कार है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया था 2021 में, किया का कार, और दो BMW है उनके पास। उनके जो दोस्तों टीचर्स और क्लासमेट होते थे ना, बहुत बुली करते थे उनको, बहुत ही मॉक करते थे कि बोलते ये अजीब लड़का है, जैसे मुझे भी करते थे स्कूल और कॉलेज में, तो पता नहीं क्यों करते, पता नहीं, हम लोग अलग ही होते, हम लोग जो होते, तो बहुत बुली करते थे, बहुत वो करते थे, क्योंकि वो ओट मिल ले जाते थे स्कूल में अपने कंटेनर में, जी हाँ, ओट मिल। तो दे बिलीव ही नेवर बिकम, उनको लगता था कि एनाटोली क्या कर रही है, बकवास चीज़ क्या कर रही है, कभी नहीं बन सकता बॉडी बिल्डर, ड्यू टू इस पतले फिजिक था ना उसका, पतली फिजिक थी उनकी एनाटोली की, तो इनकी वजह से उनको लगा कि वो कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे। सो व्लादिमिर ओनली अर्न, व्लादिमिर ने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया, सिर्फ उन्होंने 2000 सब्सक्राइबर गेन किया,
जब 9 महीना काम करके उन्होंने सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर गेन किया, जब मतलब उन्होंने व्लादिमीर एनाटोली ने जब शुरू किया सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर गेन किया 9 महीना काम करके, सोचिए कोई पैसा नहीं मिला है ना क्रिएटिंग वीडियोस। एनाटोली रिलेटिवली जो एनाटोली के रिलेटिव्स हैं नेवर्स है ना वो उनको देखते रहते थे, एनाटोली पागल है क्या, कैसे अजीब तरीके से रहता है ना, स्कूल ड्रॉप आउट ड्रग एडिक्ट जैसा रहता है वो है ना, हमेशा कैमरा लेके वीडियो बनाता रहता है, ये करता रहता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और आज देखिए वही एनाटोली आज क्या बन गए। देखिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को वो मत कम मत समझिए दोस्तों, बंदे ने बहुत मेहनत की एनाटोली ने, वहाँ से उठकर आना यूक्रेन से उठ के मॉस्को, फिर मॉस्को से दुबई, सफ़र इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब करिए मेरा, ऐसे और मोटिवेशन चाहिए तो। उनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ मैं, 150 kg स्क्वाट लगाया उन्होंने और 122 kg बेंच लगाया उन्होंने, 195 kg सुमो डेडलिफ्ट लगाया उन्होंने, 467 kg का उन्होंने पूरा टोटल मारा उन्होंने एज ऑफ 19 में 74 kg के वेट कैटेगरी में उन्होंने, ये जो अभी मैंने रिकॉर्ड बताया उन्होंने किया। 245 kg का फिर उन्होंने डेडलिफ्ट भी किया 78 kg के बॉडी वेट में दोस्तों, अपने बॉडी वेट से ज़्यादा डबल ट्रिपल उन्होंने मारा, तो कितना स्ट्रेंथ होगा उसमें देखिए। इसलिए फार्मिंग का बॉडी जो है ना वो अलग ही स्ट्रेंथ है, कार्डियो करके बॉडी वेट वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बॉडी वेट वर्कआउट बहुत करते हैं, देखा ना हाईली कम्पिटिटिव एथलीट है वो, इस रिकॉर्ड से देखा जा रहा है कि वो एक बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव एथलीट है। 210 kg के स्क्वाट में लगाया उन्होंने, 145 बेंच लगाया उन्होंने, 290 kg का डेडलिफ्ट लगाया उन्होंने, टोटल हुआ 645 kg। तो देखिए दोस्तों क्या कर दिया उन्होंने, फार्मिंग से आके उन लोगों ने बड़े बड़े टक्कर पहलवानों को टक्कर दे रहे हैं वो आज, गोल्ड जिम में, बाइनोस जिम में, हर जगह जाते हैं वो, उनकी गर्लफ्रेंड भी सुंदर है काफ़ी। तो ये है उनकी कहानी दोस्तों एनाटोली की, आज दोस्तों वो सबको टक्कर दे रहा है वो बंदा, हर जिम में जाके लड़कियाँ पागल हो जाती है उसके लिए, और वो क्लीनर बन जाता है कभी, मैक्सिमम उनके वीडियोस में देखता हूँ वो क्लीनर है, लेकिन वो सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा है उनका। सो इज़ अ वेरी गुड गाय, ही इज़ अ वेरी मच जेन्युइन गाय, डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन है वो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका जो मैं वीडियो बनाना चाहता था, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है वो फिटनेस का, फिटनेस के वीडियोस में तो लाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है अभी, जब पैसा आएगा जिम शुरू करूँगा मैं तब मैं फिटनेस के वीडियोस भी लाऊँगा, सब चीज़ करूँगा धीरे धीरे है ना। बॉडी वेट वर्कआउट करिए दोस्तों जब आपके पास पैसा नहीं होता, मैं भी बॉडी वेट वर्कआउट ही करता हूँ तो आप भी करिए। तो एनाटोली की जो कहानी थी बहुत ही दुखदायक थी, पर उन्होंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पा रहे थे है ना। तो आज वो बहुत सक्सेसफुल इतना है अपने YouTube में, वो आज US में रहते हैं, दुबई में रहते हैं है ना। तो अच्छा है ना, एनाटोली इज़ ए वेरी गुड गाय, यू नो आई लाइक हिज स्टोरी, मुझे अच्छा लगा उनको कैसे उन्होंने कैसे सफ़र को तय किया, ये सफ़र को तो बहुत ही कठिन सफ़र था उनका दोस्तों। उनका चैनल ज़रूर देखिएगा मैं बोलता हूँ, और मेरा भी देखिए। चलिए दोस्तों थैंक यू बाय, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनाटोली इज़ वेरी मतलब मैं उनका स्टोरी देख के बहुत चौंक गया, कैसे उन्होंने क्या क्या किया है, मतलब इतने छोटे से देखिए दोस्तों। आज लोग बोलते हैं मैं तो YouTube कर रहा हूँ 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, एनाटोली को देखिए वो 2015 से लगे हुए, आज 2023 में उनका वो फेमस हुए, कितना साल लग गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9, 10 साल लग गए उनको यहाँ तक पहुँचने में, सोचिए लगा पाएंगे आप 9, 10 साल तभी आप सक्सेसफुल होंगे, ये बात है। फार्मिंग बॉडी इज़ वेरी गुड बॉडी, समझिए मैं भी फार्मिंग के बैकग्राउंड से हूँ, मेरे भी लिप स्टॉक वो गाय को चराना, दूध को निकालना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, फाउंडेशन होता है बॉडी का, समझिए। चलिए थैंक यू भाई, चैनल सब्सक्राइब करिए।